Friends, welcome again. Welcome to the Kudra classes. As we have discussed yesterday, कल हमने जो discuss किया था वो linked list discuss किया था. और linked list में मैंने आपको दो function बताए थे. अभी इसलिए मैंने इसको rub नहीं किया, मिटाना नहीं है. ठीक है कि कल मैंने आपको दो function create करके बना के दिखाए थे. एक menu बनाया था पहले तो. ठीक है और create और print बताया था और इसका बताया था इस structure का मतलब क्या है. ठीक है वो मैं repeat नहीं करूँगा. आप मेरी linked list की part 1 video देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है आज जो हमारा टास्क है कि हमें इंसर्ट पढ़ना है डिलीट पढ़ना है तो ये दो फंक्शन हमें पढ़ने हैं. और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इंसर्ट इंसर्ट मतलब एक लिंक्ड लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है इसमें मुझे इंसर्ट करना है. अब इंसर्ट करने के भी तीन तरीके हो सकते हैं कि इंसर्ट कहाँ करना है. इंसर्ट बिगनिंग में करना है या मिडिल में कहीं किसी पोजिशन में करना है या आखिरी में करना है. इसी तरीके से डिलीट डिलीट के भी तीन फंक्शन होंगे. ठीक है या डिलीट मुझे पहली नोट डिलीट करनी है या बीच की कोई नोट डिलीट करनी है या आखिरी नोट डिलीट करनी है. तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. ठीक है तो ये हम देखेंगे और उसके बाद हम उसको करेंगे. तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है मेरा आप इसे इसका स्नैपशॉट ले लें सिर्फ आप लें क्योंकि दोबारा अब मैं देखने वाला नहीं हूँ इसको. ठीक है मैं सीधे कोडिंग शुरू करूंगा इंसर्ट के और डिलीट के क्योंकि इंसर्ट और डिलीट में खुद भी मेन्यू है तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ. ठीक है ओके चलो तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ. कोई फायदा नहीं है इसको ज्यादा रखने से. ठीक है ताकि आगे की कोडिंग मैं जैसे आपको कल भी बता चुका हूँ कि मैं एक गरीब इंसान हूं पैसा नहीं है भाई मेरे पास कि मैं इससे बड़ा बोर्ड खरीद पाऊं. ठीक है जी मजाक कर रहा हूं इतने पैसे हैं लेकिन ठीक है अभी सही है बढ़िया जो भी है पहले आप समझ लो इतना. ठीक है फिर आगे करेंगे देखेंगे कि कैसे काम करते हैं. तो अभी हम मैं आपको समझाऊंगा इंसर्ट कैसे करते हैं. ठीक है ओके तो अब हमने जैसे मैंने आपसे बोला था कि हम लोग इंसर्ट की कोडिंग देखेंगे तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट को. ठीक है तो वो जो मेन्यू आपको याद होगा वो जो स्ट्रक्चर आपको याद होगा अगर नहीं याद है मैं फिर बोल रहा हूँ मेरी पहली वीडियो देखेगा. ठीक है उसमें थर्ड ऑप्शन पे था यूजर ने क्या दबाया थ्री दबाया तो यूजर ने थ्री दबाया तो केस थ्री पे गया हुआ और केस थ्री के आगे मैंने लिखा हुआ था इंसर्ट तो वो तुरंत कहां पे आ गया इंसर्ट फंक्शन के अंदर आएगा. ठीक है अब वो इंसर्ट के अंदर आता है वहां से इंसर्ट के फंक्शन के अंदर आता है और इंसर्ट के अंदर फंक्शन आते हैं हमने एक और वेरिएबल बनाया सीएच लोकल वेरिएबल है सीएच मैं 10 बार बना सकता हूं अगर लोकल बनाना है तो बना लिया मैंने. अब आपको इंसर्ट के अंदर भी ऑप्शन है जैसे आपने आप रेस्टोरेंट गए और आप रेस्टोरेंट गए और रेस्टोरेंट में बोला कि क्या खाओगे सर आप क्या लेंगे तो आपने बोला चिकन खाएंगे तो उसने चिकन खाएंगे या आपने बोला पनीर खाएंगे तो पनीर के अंदर भी ऑप्शन दे दिया आपको कौन सा सर मटर पनीर मलाई पनीर मेथी मलाई पनीर पालक पनीर और वट एवर डिफरेंट काइंड ऑफ पनीर. आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते होंगे मुझे पता नहीं तो मैं तो नहीं जाता यार सन्यासी आदमी तो क्या है कि वो डिफरेंट क्या है डिफरेंट ऑप्शन आ गए डिफरेंट ऑप्शन वो पूछेगा. तो इसी तरीके से इंसर्ट में डिफरेंट ऑप्शन है कि इंसर्ट कहाँ करना है बिगनिंग में करना है मिडिल में करना है एंड में करना है और लास्ट में पूछ लिया एंटर योर चॉइस बताओ क्या करना है. अभी यूजर ने कहा कि यार मेरे को बिगनिंग में करना है पहले मुझे बिगनिंग की कोडिंग देखनी है तो यूजर ने क्या दबा दिया एक दबा दिया तो सीएच में क्या गया एक फिर मैंने स्विच लगा दिया स्विच में क्या गया एक और मैंने बता चुका हूं स्विच में जो भी जाएगा उसी केस में जाएगा और केस वन में जाता है और केस वन में जैसे जाता है तो वहां पे क्या लिखा होता है इंसर्ट बिग मतलब आई बिग नाम का फंक्शन एक कॉल हो रहा है वो तुरंत कहां जम करेगा अपनी डेफिनेशन के पास गया डेफिनेशन के पास क्या करना क्या है हमें एक नोड इंसर्ट करना है ना तो नोड तो बनानी पड़ेगी और नोड बनानी है तो फिर वो मैलॉक का काम हमें यूज करना ही पड़ेगा जैसे हम क्रिएट में कर रहे थे. तो फिर मैंने क्या किया नोड वन टाइप नोड वन आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में देखना पड़ेगा नोड वन क्या है स्ट्रक्चर का वेरिएबल है. ठीक है मैंने एक नोड वन टाइप का पॉइंटर बना लिया टेम्प. ठीक है और मैंने मैलॉक से कहा मैलॉक क्या करो तुम एक साइज क्रिएट कर दो किस तरीके का नोड वन टाइप और नोड वन क्या होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं एक डेटा पार्ट और एक एड्रेस पार्ट और उसका एड्रेस किसके पास आ जाएगा टेम्प को ऐसे ही उसका एड्रेस किसके पास आ जाएगा टेम्प के पास. ऐसा करते ही क्या हुआ एक नोड क्रिएट हो गई टेम्प नाम की जिसके दो पार्ट एक डेटा पार्ट और एक एड्रेस पार्ट मान लो उसका कोई एड्रेस है 50 तो मतलब मैलॉक ने टेम्प को क्या रिटर्न किया 50 किसका 50 रिटर्न किया ये जो नोड क्रिएट किया क्योंकि तो मैलॉक क्या रिटर्न करता है एड्रेस और एड्रेस किसका वो जो नोड क्रिएट करता है जो मेमोरी क्रिएट करता है अभी उसने मेमोरी क्रिएट की तो 50 आ गया. तो अगर मैं आपसे पूछूं टेम्प में क्या है तो आप बोलोगे 50 टेम्प में क्या है 50 है. ठीक है क्योंकि टेम्प एक पॉइंटर है और पॉइंटर क्या होल्ड करता है एड्रेस. ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको यही कंसेप्ट पकड़ने की बात है. ठीक है चलो कोई अब मैंने नोड बनाई डेटा तो डलवाना है ना दोस्त. ठीक है तो मैंने बोला एंटर द डेटा तो यूजर ने डाल दिया मान लो 4 तो जब 4 डाल दिया तो 4 कहां डाला मैंने टेम्प के डेटा में. मैंने बताया था जब पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर होता है तो एरो यूज करते हैं तो टेम्प के डेटा में मैंने क्या डाल दिया 4. ठीक है अब क्या करना है मुझे कनेक्टिविटी करनी है. अब ये नोड मैं बिगनिंग में डाल रहा हूं भैया आपको बता दिया जब बिगनिंग में डाल रहा हूं तो क्या होगा ये नोड इसका एड्रेस रखेगी और इस नोड का नाम क्या हेड तो बस एक लाइन का कोड है कि मैंने टेम्प के नेक्स्ट में
temp के next में क्या डाल दिया head, और head में समय क्या है 100, क्योंकि head क्या है pointer, तो temp के next में क्या डाल दिया head, और head में क्या है 100, तो अब ये notice से connect हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब दूसरी बात, दूसरा क्या है कि अब मुझे क्या करना है कि भैया ये किस बात की head, ये head नहीं, क्योंकि पहली नोड head होती है, तो मैंने कहा head में क्या डाल दो temp, temp में क्या है 50, तो head में भी क्या आ गया 50, तो head भैया यहां से उठा और कहां भी आ गया, इधर आ गया, लो बन गया, हो गया इंसर्ट इन द बिगनिंग, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेगा। तो दिस वॉज इंसर्ट एट द बिगनिंग। अब हम पढ़ेंगे इंसर्ट एट एनी गिवन पोजिशन, मान लो ये हमें लिंक लिस्ट दी है, हमें किसी फोर्थ पोजिशन या किस पे डालना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसा मैंने बताया था कि अभी हमने इंसर्ट बिगनिंग देखा, अब हम देखने वाले हैं इंसर्ट एट एनी गिवन पोजीशन, इंसर्ट एट मिडिल, ठीक है। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, यूजर क्या हुआ, फंक्शन खत्म हुआ होगा, कहाँ गया होगा, इंसर्ट के पास गया होगा, अगर कल की वाली वीडियो देखो, ठीक है। फिर सॉरी फंक्शन कहाँ गया होगा, वाइल लूप में गया होगा, वाइल लूप में कई ऑप्शन आ रहे होंगे, यूजर ने फिर से बंद दबा दिया, ये सिनेरियो आपको दिख रहा है, यूजर ने फिर से बंद दबा दिया होगा। अब यूजर ने फिर से वन दबा दिया अगर, ठीक है, सॉरी वन कह रहा हूँ, यूजर ने मान लो फिर से थ्री दबा दिया, थ्री में इंसर्ट था, यूजर ने थ्री दबाया तो इंसर्ट पे आएगा, फिर से इंसर्ट के पास आएगा, स्वाइप चॉइस नाम के वेरिएबल बना लिया। फिर क्या है, मैंने आपको पहले बताया इंसर्ट में फिर से तीन चॉइस है, इंसर्ट बिगनिंग, इंसर्ट मिड, इंसर्ट एंड। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट मिड किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे इंसर्ट करना है। तो यूजर से बोला एंटर योर चॉइस, तो मैंने क्योंकि मुझे सेकंड चॉइस पे था तो मैंने डाल दिया दो, तो सी एच पे क्या गया दो चला गया, तो स्विच में क्या गया दो, और केस स्विच में जो डालेंगे उसी केस पे जाएगा, और केस टू के आगे क्या लिखा आई मिड, वो कुछ नहीं देखेगा, तुरंत आई मिड अपनी डेफिनेशन के पास जंप कर जाएगा, वहां से वो तुरंत अपनी आई मिड की डेफिनेशन के पास जंप करेगा। क्या करना है, इंसर्ट करना है ना भाई, तो नोट तो बनानी पड़ेगी, तो वही वाला काम फिर से करना है, ठीक है। तो मैंने किया क्या किया, चलो स्टार्ट से देखते हैं, मैंने क्या किया, ये टाइम खत्म हो चुका होगा, ये टाइम अब यहाँ पे नहीं है, अब इस नोट का नाम क्या है हेड, मैं लिख दे रहा हूँ, ये पहली नोट है, इसका नाम क्या है हेड, ठीक है, चलो ठीक है। तो इंसर्ट मिड, ठीक है, अब इंसर्ट मिड फंक्शन के पास गया, मैंने नोड वन टाइप का एक पॉइंटर बनाया टेम्प मैलॉक के लिए, आपको बताइए अब, और एक पॉइंटर और बनाया जिसका नाम करंट है, और करंट में क्या डाल दिया हेड, हेड में कितना है 50 है इस समय, 50 हेड एक पॉइंटर है, एड्रेस है, और करंट भी एक पॉइंटर, तो उसमें भी क्या डाल दिया हेड डाल दिया, तो करंट और हेड दोनों भाई एक जगह आके खड़े हो गए, तो मतलब करंट और हेड ये दोनों एक जगह आके खड़े हो गए, क्योंकि करंट में भी वही है जो हेड में, ठीक है, आके खड़े हो गए, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं इसको आगे करने से पहले, इतनी प्यारी कोडिंग है, इसको वैलेंटाइन डे वाले दिन बनाना चाहिए था मुझे यार, उससे ज्यादा प्यार तो मुझे है ही नहीं इस कोडिंग से ज्यादा, बड़ा प्यारी कोडिंग देखना अभी आप, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंट आई, फिर मैंने क्या किया, दो वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप के, एक आई बनाया और एक पोजीशन, भाई यूजर से पूछना है तो है ना, बताओ कौन सी पोजीशन डालना है, मिडिल में कौन सी, थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, किस पोजीशन पे डालना है, तो एक पोजीशन आपका वेरिएबल बना लिया। फिर क्या किया हमने, मैंने मैलॉक से कहा मैलॉक क्या करो, एक नोड वन टाइप का साइज बना दो और वो एड्रेस मुझे दे दो, तो ऐसा होते ही क्या होगा, एक नोड क्रिएट हो गए। तो सपोज करो मुझे फोर्थ पोजीशन पे एक नोड इंसर्ट करनी, तो मैं यहीं पे ही बना ले रहा हूं, तो इस नोड का नाम क्या है टेम्प, और इस नोड का दो पार्ट बन गए, और टेम्प के पास उसका एड्रेस आ गया, मान लो इस नोड का एड्रेस है 500, तो इस नोड का एड्रेस मैंने 500 लिख लिया और ये आ गया 500। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ यार, बोर्ड की कमी है, गरीबी बहुत ज्यादा है, 500, ठीक है जी। अच्छा चलो, अच्छा अब क्या हुआ, नोड बनवाई ना, डेटा नोड बनवाना ही पड़ेगा, तो मैंने फिर क्या बोला, एंटर द डेटा, यूजर ने मान लो डाल दिया 12, क्या डाल दिया 12, तो मैंने टेम्प के डेटा में क्या डाल दिया 12, तो स्कैन करके टेम्प, तो यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया, ये 12 आ गया। अब मुझे क्या करना है, कनेक्टिविटी करनी है, अब मेन काम है मेरा कनेक्टिविटी करने का, ठीक है। लेकिन कनेक्टिविटी करने से पहले मुझे यूजर से पूछना होगा एंटर द पोजीशन, बताओ भैया किस पोजीशन पे तुम्हें इंसर्ट करना है। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूं, यूजर ने मान लो डाल दिया 4, तो पोजीशन की वैल्यू कितनी हो गई, पोजीशन में कितना आ गया 4, चौथी पोजीशन पे तुम इंसर्ट करा दो, क्या इंसर्ट करा दो 12, मतलब अब मैं अगर प्रिंट कराऊं तो आंसर क्या आना चाहिए 4, 5, 6, 12, 7 करो। लेकिन अब आती है कनेक्टिविटी कैसे करनी, कनेक्टिविटी कैसे करनी है, तो कनेक्टिविटी आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा कि कनेक्टिविटी कैसे करनी, कि ये नोड इसका एड्रेस रखेगी और ये नोड इसका एड्रेस रखेगी, भैया बीच में कोई आ रहा है ना, दो लोगों के बीच में प्यार था, प्यार मोहब्बत थी, लेकिन अब इनके बीच में कोई और आ रहा है, ठीक है, मतलब ये भाई इसका एड्रेस रख रहा था, अब ये इसका एड्रेस नहीं रखेगा, इसका एड्रेस ये रखेगा, ठीक है, और ये किसका एड्रेस रखेगा, इसका एड्रेस रखेगा, ताकि एक चेन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, आप समझदार हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब आती है बात, मैं कोडिंग करता कैसे, तो ये नोड क्या इसका नाम देना पड़ेगा, चलो तो नोड नाम कैसे देंगे, मैंने लिखा
वाइल जब तक पोजिशन आई प्लस वन के बराबर नहीं है, पोजिशन में क्या है चार और आई में कितना है वन, आई प्लस वन कितना टू, क्या चार दो के बराबर नहीं है, हाँ चार दो के बराबर नहीं है, तो क्या करो करंट में डालो करंट कनेक्ट, करंट में डालो और करंट इस समय इस नोड में, करंट कनेक्ट में क्या है सौ, तो करंट कहां पहुंच गया किस नोड के पास पहुंच गया, सौ वाले नोड के पास पहुंच गया, क्लियर। और आई को एक बढ़ा दो, आई की वैल्यू वन थी, आई की वैल्यू कितनी हो गई टू हो गई, बाहर निकलेंगे, मैंने फिर बताया लूप से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर ऊपर गए चेक किया क्या पोजीशन, पोजीशन में तो अभी भी चार पड़ा, क्या पोजीशन आई प्लस वन के बराबर नहीं है, आई में कितना टू, टू प्लस वन कितना होगा थ्री, चार तीन के बराबर नहीं है, हाँ चार तीन के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू, फिर नीचे जाएगा करंट में डालेगा करंट का नेक्स्ट, अभी करंट का नेक्स्ट क्या है 200, तो कहां पहुंच गया 200 वाले नोड के पास करंट पहुंच गया, क्लियर। और आई को एक बढ़ा दिया, आई की वैल्यू दो से कितनी हो गई तीन हो गई, क्या बाहर निकलेंगे नहीं, कभी बाहर नहीं निकलेंगे, फिर जाके चेक करेंगे क्या पोजीशन, पोजीशन में क्या है चार, क्या पोजीशन आई प्लस वन के बराबर नहीं है, पोजीशन में क्या है चार और आई प्लस वन तीन प्लस एक चार, चार चार के बराबर होता है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, अब लूप से हम बाहर आ गए, फिर मैंने क्या करना था वो आपको पहले समझा चुका हूं, मैंने कहा कि टेम्प के नेक्स्ट में ये जो टेम्प है नोड इसके नेक्स्ट में क्या डाल दो करंट का नेक्स्ट, क्यों डाल दो, क्योंकि करंट को मैं बोल रहा हूं भाई अभी तू जिसका एड्रेस रख रहा था ना अब तू नहीं रखेगा मैं रखूंगा, ठीक है, तो उसको मैंने बोल दिया हाँ ठीक है, तो करंट टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दिया करंट का नेक्स्ट, और करंट का नेक्स्ट में क्या 300, तो यहां पर भी डाल दिया 300, अगर अभी इस समय की सिचुएशन की बात देखें तो अभी ये दोनों नोड एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, टेम्प भी इसको साथ वाले को पॉइंट कर रहा है, करंट भी इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन लास्ट में क्या लिखा करंट के नेक्स्ट में, करंट के नेक्स्ट में क्या डाल दो टेम्प, और टेम्प में क्या है 500, तो करंट के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया टेम्प, और टेम्प में क्या 500, तो यहां पे कितना आ गया 500, तो अब ये है लिंक यहां से टूट के कहां चला गया यहां पे, तो हो गई कनेक्टिविटी, देखा कितना प्यार से, तो आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमें कनेक्टिविटी करनी है टेम्प नोड की, जो हमने नोड नई क्रिएट किया, उसके बाद हमें उससे पहले वाली नोट, उसके बाद उसके पहले वाले नोट की करनी है, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, अगर ये आप ऊपर कर दोगे तो फिर आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, थैंक यू सो मच। अब हम इसके बाद देखेंगे डिलीशन इंसर्ट एंड, ठीक है, इसके बाद हम ये कोडिंग लिखेंगे, चलो अच्छा अब हम इंसर्ट एंड डिकोडिंग देखने वाले हैं, ठीक है, मतलब आपको फिर से वही ऑप्शन मिलेंगे, इस समय आपने तीन दबा दिया सीएच में तीन गया स्विच में तीन क्या केस थ्री पे जाकर इंसर्ट एंड वो तुरंत यहां से यहां जंप करेगा हम बहुत जल्दी देखेंगे क्या इंसर्ट तो करना है ना मैं फिर वही बोल रहा हूं इंसर्ट करना है नोट तो बनानी पड़ेगी बस नोट बनाई ठीक है तो नोट वन टाइप का एक पॉइंटर बनाया टेम्प क्यों बनाया क्योंकि हमें एक नोट क्रिएट करनी है और नोट क्रिएट करता कौन है मैलॉक और मैलॉक क्या करता है एड्रेस रिटर्न करता है किसका जिसका वो जिस मेमोरी को क्रिएट करता है किस मेमोरी को क्रिएट कर रहा है नोट वन टाइप की और नोट वन क्या है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके दो पार्ट है एक डेटा पार्ट और एक एड्रेस पार्ट ठीक है तो क्या हुआ जैसे मैंने ये लाइन लिखी ऑटोमेटिकली क्या हुआ एक नोड क्रिएट हो गई जिस नोड का नाम क्या है टेम्प मान लो इसका एड्रेस है कोई 400 और इसके दो पार्ट होंगे क्लियर नोड बने डेटा नोड डलवाना है बस तो मैंने बोला एंटर द डेटा यूजर ने डाल दो मान लो डाल दिया 8 तो टेम्प के डेटा में एक होता है मैंने क्या डाल दिया 8 ठीक है अच्छा अब आती बात ये आखिरी में क्योंकि मुझे आखिरी में इंसर्ट करना है इंसर्ट एंड की बात हो रही है ठीक है तो आखिरी में इंसर्ट करना है तो क्या होगा टेल के नेक्स्ट में टेल के नेक्स्ट में जो पहले नल था अब क्या आ जाएगा इसका एड्रेस तो टेल के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया टेम्प टेम्प में क्या 400 तो यहां पे नल की जगह अब क्या आ गया 400 तो ये नोड इसे पॉइंट करने लगी अब ये किस बात की टेल ये टेल नहीं तो क्या मैंने लिखा टेल इज इक्वल टू टेम्प टेम्प में क्या है 400 तो टेल में भी क्या आ गया 400 तो टेल भैया यहां से उठ के कहां आ गई यहां पे आ गई ठीक है और आपको पता है टेल के आगे कुछ नहीं होता तो मैंने क्या किया टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दिया नल खत्म हो गया कितना इजी है बॉस इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद डिलीट के सारे फंक्शन डिलीट बिगनिंग डिलीट मिड और डिलीट एंड थैंक यू 2 मिनट आप वेट करेंगे ओके तो जिस तरीके से हमने इंसर्ट के तीनों फंक्शन देखे अब हम डिलीट के तीनों फंक्शन देखेंगे और सेम मेन्यू बनेगा डिलीट का भी मान लो यूजर ने अब चार दबाया तो चॉइस में चार गया होगा स्विच में चार गया होगा केस चार में डिलीट लिखा होगा डिलीट फंक्शन के पास जंप किया डिलीट के पास जैसे ही जंप किया वहां पर उसको फिर से तीन ऑप्शन मिल गए कि बताओ भैया कौन सा डिलीट करना है डिलीट बिगिन से डिलीट करना है या मिडिल से डिलीट करना है या एंड से डिलीट करना है बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है यूजर ने कहा कि भैया अभी तो मुझे पहला बिगिन से डिलीट करना है तो यूजर ने क्या बताया वन तो सीएच में क्या क्या वन स्विच में क्या क्या वन केस वन में क्या लिखा है डीपिल मतलब डिलीट बिगिनिंग ठीक है तो वो तुरंत जंप कर गया डेफिनेशन के पास अब बताओ भैया क्या नोट बनानी है क्या अरे भैया डिलीट करना है नोट बना के करेंगे क्या डिलीट करना है तो क्यों बनाएंगे नोट हमें तो सिर्फ डिलीट करना है नोट तो क्रिएट करने कोई इंसर्ट थोड़ी करना है जो नोट क्रिएट करें हमें तो सिर्फ डिलीट करना है तो डिलीट बिग में गए ठीक है हमने नोट वन टाइप का एक पॉइंटर बनाया बना लिया मैंने कहा पीटीआर में डाल दो हेड
हेड में क्या है इस समय, मैं फिर बोल रहा हूं, हेड एक पॉइंटर, हेड में क्या है 50, ठीक है, और हेड के डेटा में क्या 5, हेड के नेक्स्ट में क्या 100, लेकिन हेड में क्या 50, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पीटीआर में डाल दिया हेड, हेड में क्या 50, तो पीटीआर में भी क्या 50, ये दोनों भाई एक ही जगह आके खड़े हो गए, हेड और पीटीआर दोनों एक ही जगह आके खड़े हो गए। अब आपको पता है ना कि ये नोट डिलीट होने वाली है, तो ये किस बात का हेड, आगे वाला हेड नहीं होगा, तो मैंने हेड को बोला कि तुम आगे निकल जाओ, हेड में डाल दिया हेड का नेक्स्ट, और हेड के नेक्स्ट में क्या 100, तो हेड की नई वैल्यू क्या हो गई 100, तो बेटा हेड तो निकल गया आगे, चलाकी की उसने, हेड आगे निकल गया और पीटीआर तो पीछे रह गया, क्योंकि पीटीआर को हमने मूव कराया नहीं, ठीक है। फिर मैंने स्क्रीन पर लिखा, प्रिंट आउटपुट लिखा है डिलीटेड डेटा इज इक्वल टू क्या, पीटीआर का डेटा, और पीटीआर का डेटा क्या है 5, तो स्क्रीन पे आएगा डिलीटेड डेटा इज इक्वल टू 5, और आपको पता भी है पहले ही नोट किया आपकी 5, तो आपको अच्छा भी लगेगा यार 5 डिलीट हो गया। और ये क्या है फ्री पीटीआर, फ्री पीटीआर मतलब फ्री एक डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है जो क्या करता है उस नोट को, उस मेमोरी को फ्री करा देता है, तो पीटीआर वाली मेमोरी ये थी, उसे क्या करेगा उड़ा देगा, इसे फ्री करा देगा। बोलो बजरंग बली जय, जैसे आज भारत ने F1 पाकिस्तान के फाइटर को उड़ा दिया, वैसे फ्री ने पीटीआर को उड़ा दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिलीट क्या मिडल, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिलीशन, किसी पर्टिकुलर पोजीशन से डिलीट करना, ठीक है, थीके? तो हम ये पढ़ेंगे, तो मतलब आप फिर यूजर ने डिलीट दबाया होगा तो ये तीन ऑप्शन आ रहे होंगे, अब यूजर ने दो दबा दिया कि भैया मुझे मटेरियल से कोई नोट डिलीट करनी है, तो एंटर योर चॉइस, उसने दो दबाया, स्विच में दो गया, केस टू में गया, केस टू में डीमेट लिखा है, वो फटाक से तुरंत जम करेगा डीमेट के पास, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, जो मैंने इंसर्ट मिडिल में कोडिंग लगाई थी वही, क्या हमें नोट क्रिएट करनी है, नहीं हमें नोट नहीं क्रिएट करनी है, हमें कोई मैलॉक लॉक की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ नोट डिलीट करनी है। तो मैंने नोट वन टाइप का एक पीटी पॉइंटर बना, एक नोट वन टाइप का पॉइंटर बनाया और एक दो पॉइंटर बनाया, एक पीटीआर और एक करंट, लेकिन करंट में क्या डाल दिया हेड। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ हेड में क्या है समय, तो आप बोलोगे हेड में 50 है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, हेड में 50 है, हेड के डेटा में 4 है, हेड के नेक्स्ट में 100 है, लेकिन हेड में 50 क्योंकि हेड एक पॉइंटर है और पॉइंटर एड्रेस होल्ड करता है, और करंट भी एक पॉइंटर है, तो करंट में हेड आ गया, तो हेड में कितना था 50, तो करंट में भी कितना आ गया 50, दोनों एक जगह आके खड़े हुए, दोनों दोस्त एक जगह आके खड़े हुए, ठीक है। चलो अब मैंने दो वेरिएबल लिए, इंटीजर टाइप के, एक लिया आई इज़ इक्वल टू 1, एक पोजीशन लिया, क्यों लिया, ये आपने शायद देख ही लिया होगा मेरे पिछले वाले कोड में जब मैंने इंसर्ट करा था, ठीक है। अब मुझे कौन सी नोट डिलीट करनी है, यूजर से पूछना तो है ना, इंसर्ट तो कराना है, नहीं पूछना तो है भैया कौन सी नोट डिलीट करनी है, तो मैंने बोला एंटर द पोजीशन टू डिलीट, यूजर ने कहा भैया मुझे चौथी नोट डिलीट करनी है, तो पोजीशन, पोजीशन में क्या आ गया 4, मुझे चौथी नोट डिलीट करनी है, मतलब अब मैं इस नोट को उड़ा के दिखाऊंगा आपको बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से F1 फाइटर को आज हिंदुस्तान ने उड़ाया है, पाकिस्तान के F1 फाइटर को, ठीक है, प्लेन को, लेट्स सी, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंटर द पोजीशन टू डिलीट, ठीक है, पोजीशन में 4 आ गया, व्हाइल पोजीशन इज नॉट इक्वल टू आई प्लस 1, कंडीशन चेक करें व्हाइल में, क्या पोजीशन 4, 4 आई की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 1 4 क्या 2 के बराबर नहीं है, हाँ 4 2 के बराबर नहीं होता, ऑब्वियस 4 2 के बराबर तो नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता, कंडीशन ट्रू होगी, नीचे रहेगा, करंट में डालेगा करंट का नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट में क्या 100, तो करंट की नई वैल्यू क्या होगी 100, तो करंट किधर आ गया 100 वाली नोट के पास आ गया, ठीक है, और आई को भी पढ़ा दिया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है, बाहर निकलेगा नहीं, लूप से कभी बाहर नहीं निकलते जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो, ऊपर फिर गया, चेक किया क्या पोजीशन, पोजीशन में तो 4 पड़ा है, क्या पोजीशन I प्लस 1, आई में कितना है 2, 2 प्लस 1 3, क्या 4 3 के बराबर नहीं है, हाँ 4 3 के बराबर नहीं है, कंडीशन 2, क्या करेगा करंट में डालेगा करंट के नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट में कितना है 200, तो करंट किधर आ गया 200 वाली नोट के पास आ गया, ठीक है, और I इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया, तो I इज इक्वल टू आई प्लस 1 होते ही आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है, क्या बाहर निकलेंगे नहीं, फिर ऊपर जाकर चेक करेगा क्या पोजीशन, पोजीशन में क्या है 4, क्या 4 3 प्लस 1 के बराबर नहीं है, अरे भैया कौन मूर्ख है, 4 4 के बराबर होता है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, अब वो लूप से बाहर आया, लूप से बाहर आया, तो मैं आपको पहले बता, ध्यान देने वाली बात है कि करंट वहां पहुंच जाता है जिस नोड के आगे आपको इंसर्ट करना है या जिस नोड के आगे आपको डिलीट करना है, तो करंट का ये जो कोड है लॉजिक, ये लॉजिक क्या करता है, आपको जो पॉइंटर है उधर पहुंचा देगा जिस नोड के आगे या तो आपको इंसर्ट करना है या तो आपको डिलीट करना है, कोई मदद वाला तो चाहिए ना, कि भैया मान लो कोई आ रहा है या किसी को हटाना है, तो आपको मदद करने के लिए भाई साहब को बुला लिया जिसका नाम है करंट, आप अपना नाम भी करंट की जगह आप अपना प्रमोद रख दो, प्रीति रख दो, प्रीति पसंद हो आपको नहीं, कोई नहीं, कैटरीना रख दो, पॉइंटर कैटरीना, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दिमाग लगाया, मैंने कहा पीटीआर में डालो करंट का नेक्स्ट,
क्यों? क्योंकि अब आप जब ये नोड जाएगी, इसको दिमाग लगाने वाली बात है, जब ये नोड जाएगी तो अब ये नोड किसका एड्रेस रखेगी? इसका नहीं रखेगी, बिल्कुल आगे वाले का एड्रेस रखेगी। तो आगे वाले नोड का एड्रेस कौन रख रहा है? ये नोड। और इस नोड का नाम तो अभी मैं पता ही नहीं है। इस नोड को नामकरण करने के लिए मैंने एक काम किया, मैंने कहा पीटीआर में डाल दो करंट का नेक्स्ट। तो पीटीआर भी एक पॉइंटर है, तो करंट के नेक्स्ट में क्या है 300, तो पीटीआर में क्या आ गया 300, तो पीटीआर यहां पे आ गया। क्लियर? अब इस नोड का नाम उन्हें पता चल गया। तो अब मैंने पीटीआर से बोला, भाई पीटीआर तू जिसका एड्रेस रख रहा था ना, तू उसका एड्रेस मतलब मेरे को दे दे। किसने बोला? करंट ने बोला। क्यों? क्योंकि पीटीआर तो जाने वाला है। तो मैंने क्या लिखा, करंट के नेक्स्ट में, करंट के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, पीटीआर का नेक्स्ट। और पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है 400। तो यहां पे क्या आ गया 400 आ गया। अब ये नोड इसे पॉइंट करने लगी, इसे पॉइंट नहीं कर रही। क्लियर हो गया? अब ये नोड आ गया, इसको पॉइंट करने लगी। ठीक है? फिर मैंने दिमाग लगाया कि मुझे आपको अच्छा भी तो लगना चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे लिखा डिलीटेड नोड इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और इस परसेंटेज डी की जगह क्या प्रिंट कराते हैं पीटीआर का डेटा। तो पीटीआर का डेटा में गया 7, तो स्क्रीन पे लिखा गया डिलीटेड नोड इज इक्वल टू व्हाट 7। बहुत खुशी होगी। और फिर मैंने वही काम किया, फ्री पीटीआर, मैंने पीटीआर को क्या करा दिया, फ्री करा दिया, उड़ा दिया यहां से। F1 फाइटर प्लेन को मैंने उड़ा दिया। अब ये उड़ गया बॉस, तो ये हो गया आपका नोड डिलीट हो गई। और कहां से डिलीट हो गई? मिडिल से डिलीट हो गई। और बहुत ही प्यारी कोडिंग है मेरे दोस्त, ध्यान से पढ़ना, मजा आ जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं डिलीट एंड एफ को नहीं कराने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत कुछ करा दिया आपको। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप कितना, आप मुझे कमेंट करना तो मैं आपको कोडिंग भेजूंगा डिलीट एंड की। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मुझे उन लोगों पर पूरा विश्वास है जो इस वीडियो को यहां तक जिन्होंने देख लिया है, मैं चैलेंज कर सकता हूं उनको कि ऐसा कोई भी बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो मेरी वीडियो को यहां तक देखने के बाद डिलीट एंड ना कर पाए। आप अटेम्प्ट तो जरूर कर लोगे, एक दो बार एरर आएगी, चार बार एरर आएगी, लेकिन आप उस प्रोग्राम को जरूर कर लोगे। इसलिए डिलीट एंड मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। अब मैं आपको कोडिंग दिखाऊंगा, इसकी रन करता हुआ प्रोग्राम दिखाऊंगा। आप 2 मिनट वेट करिए, मैं आपको 2 मिनट में प्रोग्राम दिखाता हूँ। वेट नहीं करना, मैं आपको बस इसको शुरू करता हूँ। ओके तो ये है प्रोग्राम, लिंक लिस्ट का आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। ये लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है और मैं इसकी आपको लेंथ दिखा दे रहा हूँ। ये शुरू हो रहा है प्रोग्राम, जितना मैंने अभी आपको कराया ये पूरी कोडिंग है उसकी। ये पूरी कोडिंग है, पूरी कोडिंग, ये पूरी कोडिंग चलती आ रही है। ठीक है? तो ये पूरी कोडिंग है। ठीक है, चलो एनीवेज, मैं लेकिन आपको ऑलरेडी मैं आपको पूरा कोड दिखा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसके 2 पार्ट, एक डेटा पार्ट और एक क्या है, ये मेरा पॉइंटर पे ध्यान रखिएगा आप, एक है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंटर है, लेकिन किस तरीके का, स्ट्रक्चर टाइप का। ठीक है, इसका हमने टाइप डिफाइन कर दिया था, यहाँ पे ये टाइप डिफाइन कर दिया था, इसलिए मैंने इसका क्या किया, नोड 1 टाइप का वेरिएबल बनाया। मैंने 2 पॉइंटर बनाए, हेड और टेल। ठीक है, इन दोनों में क्या डाल दिया, नल डाल दिया। अगर आप मेरी वीडियो को देखा होगा आपने ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद ये मैंने क्या बनाया, ये फंक्शन के डिक्लेरेशन है। क्या डिक्लेरेशन है, मैंने कितने फंक्शन बनाए होंगे, एक क्रिएट बनाया, एक प्रिंट बनाया, एक इंसर्ट बनाया, इंसर्ट में 3 बनाया, अभी मैंने आपको दिखाया, इंसर्ट बिगनिंग, इंसर्ट मिड, इंसर्ट एंड, डिलीट फंक्शन बनाया, डिलीट के अंदर 3 फंक्शन बनाए। ठीक है, तो ये मैंने उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया मेन के ऊपर। ये आपको पता है, इतना अगर आपको सी में नहीं आता तो आप सी पहले पढ़िए या मेरी सी की पहले की वीडियो देखिए। ठीक है, अब आते हैं, मैंने जैसा आपको बताया था while 1 कंडीशन ऑलवेज ट्रू। फिर मैंने आपको बताया था एक मेन्यू क्रिएट कर दिया, ये मेन्यू मैंने क्रिएट किया हुआ है कि 1 से क्रिएट, 2 से प्रिंट, 3 से इंसर्ट, 4 से डिलीट, बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, यूजर अपनी चॉइस डालेगा। फिर उतने ही मैंने वो केसेस बना लिए, ये मैंने केसेस बनकी क्रिएट, 2 से प्रिंट, 3 से इंसर्ट, 4 से डिलीट, एग्जिट, 5 से एग्जिट होगा, बताओ तुम्हारी, और डिफॉल्ट में मैंने डाल दिया रॉन्ग चॉइस। मान लो यूजर इसके अलावा कोई वैल्यू डाल देता है, मैं उसको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे बस मैंने बोला कि मटर पनीर, मलाई पनीर, मेथी पनीर, और उसने बोला कबाब पनीर। अरे बॉस, कबाब पनीर जो है ही नहीं, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, करेक्ट, एंटर करेक्ट चॉइस, भैया गलत चॉइस डाला है, तो आपने गलत चॉइस डाला। अब ये मैंने क्रिएट फंक्शन बनाया था, अब मैं इसको समझाऊंगा नहीं, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, एग्जैक्टली वही सेम फंक्शन है क्रिएट का। ये आप क्रिएट का कोडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये क्रिएट फंक्शन है, इसकी कोडिंग आप एग्जैक्टली देख सकते हैं, मैच करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मेरा प्रिंट फंक्शन है, ये प्रिंट यहां से लेकर यहां तक, ये आप एग्जैक्टली कोडिंग मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, दिखा चुका हूं बोर्ड पे, मैं बस वो रन करा के दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो कुंद्रा सर पढ़ा रहे हैं वो ठीक पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब मैंने आपको इंसर्ट जो पढ़ाया था अभी देखा होगा आपने, मैंने आपको इंसर्ट की कोडिंग दिखाई थी कि पहले मैंने इंसर्ट के अंदर मेन्यू बनाया कि आपको इंसर्ट कौन सा करना है, इंसर्ट बिगनिंग करना है, इंसर्ट मिडिल करना है, या इंसर्ट एंड करना है। ठीक है,
और फिर वो स्कैन करेगा, उसके बाद वो उसको बता देगा कि भैया कौन सा इंसर्ट मिडल, ये इंसर्ट मिडल की कोडिंग मैंने आपको दिखा दी, ये इंसर्ट बिगनिंग की सॉरी, ये मिडल की है, ये एंड की है। चलो इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ, ठीक है, बहुत हो गया, मैं इसको पहले कंपाइल करता हूँ, Alt F9, ठीक है, कोई एरर नहीं, 500 लाइन कंपाइल्ड, कोई भी एरर नहीं, कोई कंट्रोल F9। अब देखो आपके सामने मेन्यू आ रहा है ना, दिख रहा है ना आपको ये मेन्यू क्या है, ये दिख रहा होगा, एक से क्रिएट, दो से प्रिंट, तीन से इंसर्ट, चार से डिलीट, पांच से एग्जिट, एंटर योर चॉइस, आपने क्या डाला, वन। तो जैसे ही आपने वन डाला तो पूछ रहा है, देखो आपसे पूछ रहा है, एंटर द डेटा, मैंने टू डाल दिया, फिर वो पूछ रहा है, फिर वो मेन्यू में वापस चला गया, फिर बोल रहा है एक से क्रिएट, दो से प्रिंट, मैंने कहा अभी मुझे फिर से क्रिएट करना है, क्या डेटा डाल दिया, मैंने तीन डाल दिया, तो फिर से बोला एंटर द चॉइस, मैंने फिर से एक डाल दिया, बोला क्या डेटा, मैंने कहा चार, तो मैंने दो तीन चार डाल दिया, तो मैं इसको देखना चाहता हूँ क्या है, क्या दो तीन चार, तो क्या दबाऊँ, एंटर योर चॉइस, मैं क्या दबाऊँ, दो दबा देता हूँ, तो मैं प्रिंट कर, हाँ दो तीन चार है, आ चुका है दो तीन चार, क्लियर हो रहा है अब आपको, अच्छा अच्छा अब मुझे क्या करना है भैया, मैंने कहा कि मुझे इंसर्ट करना है, तो मैंने तीन दबा दिया, तो देखो दिखाया था ना मैंने, पूछ रहा है वो आपसे, इंसर्ट बिगनिंग में करना है, मिडिल में करना है, एंड में करना है, मैंने कहा भैया बिगनिंग में करना है पहले, तो आपको पहले पता है दो और तीन और चार पहले से ही थे, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, अब वो पूछ रहा है एंटर डेटा, भैया डेटा डालना है ना, इंसर्ट करना है, तो मैंने कहा भैया एक डालना है, तो उसने बोला ठीक है डल गया होगा, मैं कहा चलो चेक कर लेते हैं, तो फिर से पूछ रहा है एंटर योर चॉइस, मैंने दो दबाया, अब देखो बिगनिंग में एक आ चुका है, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया, ओके चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ, फिर से मैं इंसर्ट कराने की कोशिश करता हूँ, तो अभी मेरे पास एक दो तीन चार है, तीन, तो मैंने तीन दबाया, चॉइस तीन दबाई, तो इंसर्ट की चॉइस थी वो, उसने फिर से मुझसे पूछा बताओ कौन सा इंसर्ट कराना है, मैंने कहा भैया अब मुझे मिडिल का इंसर्ट कराना है, तो बोला एंटर पहले तो डेटा डालो, कौन सा डेटा, मैंने कहा भैया 12 डाल दो, उसने बोला कौन सी पोजीशन पे डालना, मैंने कहा थर्ड पोजीशन पे तुम 12 डाल दो, उसने डाल दिया होगा, चेक करें जरा, चेक कैसे करेंगे, दो से, तो मैंने दो दबाया और जरा देखो थर्ड पोजीशन में 12 आ गया, बॉस जो बता रहा हूँ ना वो अब ध्यान से देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कोडिंग, आपको कभी भूल नहीं पाओगे कोडिंग, ठीक है, बस आप मेरी जो मैंने आपको लेक्चर कराया वो आपको देखते रहना, ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और करा दे रहा हूँ डिलीट का, ठीक है, तो चलो चार चार से हो रहा है डिलीट, ठीक है डिलीट, और देखो डिलीट में पूछ रहा है कि कौन सा डिलीट करना है, बिगनिंग का डिलीट करना है, मिडिल का डिलीट करना है, एंड का डिलीट करना है, मैंने कहा भैया बिगनिंग का डिलीट कर दे तू, तो जरा ध्यान से देखो एलिमेंट डिलीटेड इज इक्वल टू वन, मतलब पहली पोजीशन में वन, तो उसने वन को डिलीट कर दिया, चलो वापस गए, मैं चेक करा के देखता हूँ, टू पे टू दबाया और एंटर किया, देखो वन डिलीट हो चुका है, ठीक है, अच्छा गुड, अब अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रन करा के आपको दिखाता हूँ, उसने पूछा बताओ क्या करना है, मैंने कहा चार दबाओ मुझे डिलीट करना है, ठीक है, उसने बोला कौन सा डिलीट करना है, मैंने बोला भैया मिडिल वाला कोई डिलीट करना है, उसने बोला ठीक है बताओ कौन सी पोजीशन का डिलीट करना है, मैंने कहा भैया थर्ड पोजीशन वाला डिलीट कर दे, थर्ड पोजीशन में क्या था, एलिमेंट डिलीटेड इज थ्री, मतलब थर्ड पोजीशन में थ्री था, उसने उसको थ्री को डिलीट कर दिया, ठीक है, अब मैं चलो चेक करा के देख लूँ, तो चेक करा के देखता हूँ, थ्री डिलीट हो गया, तो थर्ड पोजीशन वाला डिलीट हो गया, तो दिस वॉज अबाउट लिंक लिस्ट, अब मैं लिंक लिस्ट में आपको एक चीज़ बता दूँ, एग्जिट बच गया हमारा, वो भी करके देख लेते, पांच से दबाया एग्जिट, ये एग्जिट हो गया, एग्जिट के लिए कुछ नहीं यूज़ करते, एग्जिट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसके लिए आपको कुछ नहीं यूज़ करना, ये एग्जिट स्मॉल में एग्जिट लिख देंगे आप, और उसमें कोई भी एक वेरिएबल डाल देंगे इंटीजर वैल्यू, ठीक है, वो उसको एग्जिट कर देगा और कुछ नहीं करना, एग्जिट के लिए कोई कोडिंग नहीं लिखनी है आपको, एज बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड फंक्शन है, डेनिस भाई ने इसको ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, मेरा बड़ा दिल कर रहा था, मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी चीज़ दिखाई देता हूँ, ठीक है, मैं आपको इंटरप्रेट करके दिखा देता हूँ, दो मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया इस वीडियो में, ठीक है, ये बोरिंग ना हो जाए इसलिए मैं इसको इंटरप्रेट करके दिखाता हूँ, तो इंटरप्रेट किससे होता है, F7 से होता है, तो F7 दबाया मैंने, फिर F7 दबाया, उसने स्क्रीन में छापा होगा एक से क्रिएट, दो से तीन से पाँच से एग्जिट, एंटर योर चॉइस, मैंने अब वो चॉइस डाल दी, मैंने कहा भैया एक से क्रिएट करना है, तो CH में एक गया, अब देखना अपने आप वो केस वन के पास जंप करेगा, जरा ध्यान से देखना, मैंने F7 दबाया तो अपने आप वो केस वन पे जंप किया, और देखना अब उसके बाद वो कहीं नहीं जाएगा, तुरंत क्रिएट की कोडिंग में जंप करेगा, मैं F7 दबा रहा हूँ, देखो कहीं नहीं गया वो, तुरंत क्रिएट कोडिंग में गया, मतलब आपको प्रोग्राम दिख रहा है कि प्रोग्राम चल कैसे रहा है, ठीक है, अब वो F7 फिर मैंने दबाया तो उसने क्या किया होगा, एक नोड बनाई होगी और मैलॉक ने एक नोड क्रिएट कर दी होगी, फिर मैं F7 दबाया, ठीक है, अब वो नीचे आ गया, एंटर द डेटा वो मांग रहा होगा, ठीक है, इससे पहले कि मैं देख लूँगा भैया टेम्प में क्या है, आप टेम्प के नीचे कर्सर दे जाओ, मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको टेम्प के नीचे, आप कुछ मत करो, आप Alt F4 दबा दो, Alt F4, जैसे ही आप Alt F4 दबाओगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है, इंस्पेक्टिंग टेम्प डेटा और नेक्स्ट, देखा आपने कि टेम्प के अंदर दो पार्ट है, एक डेटा पार्ट है और एक एड्रेस पार्ट है, तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, चलो अभी मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, फिर मैं F7 दबाता हूँ इंटरप्रेट करने के लिए,
F7 दबाया मैंने, तो वो आपसे डेटा पूछेगा। मैंने डेटा पहली नोड में मैं क्या डाल दिया, 12 डाल दिया, तो टेम्प के डेटा में 12 चला गया। ठीक है, अब मैं फिर से टेम्प चेक कर लेता हूँ कि इस समय टेम्प में क्या है। तो मैं टेम्प के नीचे अपना कर्सर ले गया और मैंने क्या दबा दिया, Alt F4। अब जरा ध्यान से देखो टेम्प के डेटा में क्या आ गया, 12। इससे बेस्ट मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर एनी कमेंट्स प्लीज आस्क मी, आई ऑलवेज बी विथ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज कुंद्रा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कोडिंग में कुछ समझ में आया होगा, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।